तो देखा आपने कितना ही खूबसूरत गाना है जो दिल को छू जाता है। खेसारी लाल यादव वैसे भी महान है और जब भी गाना गाते हैं कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं जिससे दिल हो जाता है खुश। तो खेसारी लाल यादव के इन गानों को ज़रूर देखें। और वैसे भी पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर निरहुआ, सब लोग बाबा भोले की भक्ति भाव में जुट जाते हैं। तभी तो आज आकाश में चमक रहे हैं सितारे बनकर। भोजपुरिया जगत का जो आकाश है वो बड़ा ही मनोरम और खूबसूरत है और अब इसे और भी खूबसूरत बनाने लगे हैं ये गायक जिन्होंने भक्ति भाव से इसे जोड़ दिया है। पहले अश्लीलता थी लेकिन अब भक्ति भावना भी नजर आने लगी है और अब अश्लीलता को ख़त्म करने पर लोग लगे हुए हैं और एक ऐसी मूवी भी बना रहे हैं लोग जिसमें सिर्फ परिवार के साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए भोजपुरिया को और भोजपुरिया समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। सावन का महीना शुरू हो चुका है जिसके लिए कांवरियों ने कमर कस ली थी, अब उसके रिजल्ट सामने आ गए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भी सावन को लेकर बड़े इंतजार में थे और अब इस महीने की शुरुआत भी हो चुकी है और अब सावन की सोमवारी भी है। खेसारी लाल यादव ने बाबा को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, जल्द ही बोलबम से जो पूरा माहौल गुंजायमान होने की उम्मीद की जा रही थी वो देखने को मिल गया है। सावन की शुरुआत से पहले ही भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने गाने गेरुआ कलर सरिया किनले बानी गाना को बनाया था और धमाल मचा दिया इस गाने ने। सावन के मौके पर आया है खेसारी लाल यादव का ये गाना न सिर्फ सोशल मीडिया पर धमाका करने के लिए बल्कि कांवर यात्रा में भी रंग भर रहा है। खेसारी लाल यादव का ये गाना लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही मामले में दमदार है। इतना ही नहीं, लोगों को ये गाना इतना पसंद आया है कि देखते ही देखते इस पर करीब 3 लाख से ज्यादा व्यूज और 11,000 से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं। सावन के महीने में इस फिल्म और इस गाने को लेकर मचा है धमाल। चूंकि ये फिल्म नहीं, एक गाना है, तो इस गाने में लोगों ने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई है और सब जगह जितनी महिलाएं जो हैं वो इस गाने को गुनगुनाती हुई नज़र आ रही हैं और पुरुष भी। गेरुआ कलर के सरिया किनले बानी खेसारी लाल यादव का ये गाना है। खेसारी लाल के इस गाने को आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। गाने में खेसारी लाल यादव गेरुआ टी शर्ट पहने और सिर पर गेरुआ साफा बांधकर बिल्कुल कांवरिया के रूप में नजर आ रहे हैं। इस गाने के लिरिक्स आजाद सिंह और श्याम देहाती ने लिखे हैं जबकि इसका म्यूजिक शंकर सिंह ने दिया है। सावन के खास मौके पर आया ये गाना किसी को भी अपने धुन पर झूमने के लिए मजबूर कर देता है। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सावन पर कई कांवर भजन गाए हैं। भोजपुरी अंदाज में गाया हुआ बाजे खेसारी के गाना को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस गाने को लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। खेसारी लाल यादव की आवाज इस गाने पर फिट बैठती है। इस गाने के लिरिक्स पवन पांडे ने लिखे हैं जबकि म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश झा घुंगरू का है। खेसारी लाल यादव की फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी, गेरुआ कलर सरिया किनले बानी ये गाना ज़रूर सुने और इस गाने को सुनकर उसे समझने की कोशिश करें। ये गाना बाबा भोलेनाथ के जो अभी सावन का मेला चल रहा है उसके लिए गाया गया है। खेसारी लाल यादव का गाना गेरुआ सरिया हुआ है रिलीज और इस गाने को मिल गए हैं बहुत सारे व्यूज। तो खेसारी लाल यादव तो हैं ही सुपरस्टार। बहुत सारी शुभकामनाएं खेसारी लाल यादव को इस कामयाबी के लिए। यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट नाइट भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। सावन से पहले से ही जुट गए हैं खेसारी उन गानों में जो गाने हैं बेहद खास। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के गानों की तो बात ही अलग है और इस गाने ने जिसकी हमने बनाई है रिपोर्ट, ये गाना बेहद ही सुपर डुपर हिट है। गेरुआ रंग के साड़ी, जी हाँ, खेसारी लाल यादव इस गाने में बड़े ही मोहक अंदाज में बाबा को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। गेरुआ रंग की साड़ी लियाल बानी इस गाने के बोल हैं और इस गाने में जिस तरीके से निरहुआ बड़ी ही खूबसूरत भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं उसे फैंस का बड़ा ही प्यार मिला है। वैसे फैंस बहुत ही प्यार करते हैं खेसारी लाल यादव को और जब से खेसारी लाल यादव ने दिल खोल कर गाना शुरू किया है तब से उनके फैंस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। गेरुआ रंग की साड़ी सावन महीने पर
बाबा भोले पर गाना बनाया गया है, और इस गाने में वो तमाम तरीके से कोशिश की गई है बाबा को मनाने की जो चीज़ें ज़रूरी हैं। जी हाँ, गेरुआ रंग की साड़ी पहनी जाती है और गेरुआ रंग के वस्त्र पहनकर लोग जाते हैं बाबा धाम और बाबा की करते हैं पूजा अर्चना। तो कैसे लोग बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और क्या महत्व होता है गेरुआ रंग की साड़ी की, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।